गुजरात के सूरत के कोविड वार्ड में छठी पास बीजेपी विधायक का वीडी झालावाड़िया अचानक ही विधायक से डॉक्टर बन गए। हाथ में सिरिंज और रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर कोरोना मरीज की स्लाइन में खुद लगाने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के सूरत में एक आइसोलेशन सेंटर में जो शख्स हाथ में सिरिंज और रेमडेसिविर इंजेक्शन लिए नजर आ रहे हैं, वो शख्स एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बल्कि बीजेपी के एमएलए हैं। सिर्फ छठी पास बीजेपी विधायक वीडी झालावाड़िया कोरोना मरीजों की जिंदगी से ही खिलवाड़ करने लगे। विधायक को अचानक डॉक्टर बने देख वहां मौजूद डॉक्टर ठहाका मारकर हंसने लगे। बीजेपी विधायक जब बड़ी मुश्किल से कांपते हाथों से सिरिंज में दवा भरी और डॉक्टर बनने लगे तो इंजेक्शन ही हाथ से छूट गया। फिर भी नहीं माने और इंजेक्शन कोविड मरीज को ही दे दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सफाई में विधायक जी ने कहा कि मैं पिछले 40 दिनों से कम्युनिटी हॉल में लोगों की सेवा कर रहा हूं। बताने लगे कि कोरोना मरीज को देने के लिए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिक्स किया जाता है, सिर्फ वही इंजेक्शन मैंने डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में स्लाइन के अंदर डाला था। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी विधायक को निशाने पर ले लिया है और कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि बीजेपी को इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण देने के लिए एक केंद्र खोलना चाहिए, जिससे राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों की कमी भी पूरी हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ रहे बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां सरकार कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सख्त लॉकडाउन लगाकर लोगों को दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दे रही है। उसी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ के सर्किट हाउस के अंदर कोरोना संक्रमण रोकने पर अधिकारियों को लंबा चौड़ा ज्ञान देने के बाद झाबुआ जिले के कोविड प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग जैसे ही सर्किट हाउस से बाहर निकले, देखिए कैसे राजनीति चमकाने के लिए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने लगे। रविवार को झाबुआ कलेक्ट्रेट में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में मंत्री डंग लोगों से अपील करते नजर आए कि कोरोना से बचाव के सुरक्षा उपायों को कड़ाई से पालन करवाएं, मास्क लगाने के साथ कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करें। हालांकि चंद मिनट बाद ही नेताजी अपने समर्थकों का उत्साह देखकर नेतागिरी चमकाने में जुट गए। सर्किट हाउस के बाहर खुद कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर सेल्फी ली और तस्वीरें खिंचवाई। मंत्री जी के साथ सेल्फी लेने की ऐसी होड़ मची कि सोशल डिस्टेंसिंग सरकार के सामने ही तार तार हो गई। सर्किट हाउस में मंत्री हरदीप सिंह डंग के साथ फोटो लेने के लिए लोगों का तांता लग गया। मंत्री जी ने भी किसी को निराश नहीं किया। अब फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग इतने खौफजदा हैं कि वैक्सीनेशन से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम को देखकर सीधे उफनती सरयू नदी में छलांग लगा दी। कोरोना से पूरे देश में मचे कोहराम और मौत से गांव-गांव में पसरे मातम के बावजूद लोग कोरोना की वैक्सीन को लेकर इतने ज्यादा खौफजदा हैं कि वैक्सीनेशन से बचने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर सीधे सरयू नदी में छलांग लगाने लगे। बाराबंकी के सिसौड़ा गांव में कोरोना वैक्सीन टीम को देखकर लोग नदी में कूदने लगे। आनंद फानंद में मौके पर पहुंच एसडीएम साहब ने गांव के लोगों को समझाया, तब जाकर लोग नदी से बाहर आए और कोरोना की वैक्सीन लगवाई। लेकिन 1800 की आबादी में सिर्फ 18 लोग ही वैक्सीन लगाने की हिम्मत दिखा पाए। बहुत जने मर गए सुई लगवाए, हमें नहीं, हम खुद मर गए हैं। हमारा तो इच्छा नहीं बोला भी लगवाए। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में काफी डर है। गाँव वासियों में वो लोग दवा कराने के चक्कर में सबको कहे, सबको बोले घूम के गाँव भर में, तो कुछ लोग लगवाए, कुछ लोग डर के मारे भाग गए। तो उन लोग से पूछा गया तो बोल रहे थे कि टीका लगवाने से कुछ लोग आदमी मर जाते हैं, इसीलिए हम लोग डर के मारे वो नदी में भाग गए रेत में। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी के साथ वैक्सीन को लेकर समाज में फैली गलतफहमी को भी दूर करना पड़ेगा। उसके बाद ही वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो सकेगा और कोरोना संक्रमण से लोगों को मुक्ति मिल सकेगी। कोरोना काल में शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए सरकार ने लोगों की संख्या तय कर दी है, तो लोग रुपए पैसे की हनक में नियम कानून को ताक पर रखकर हवा में शादी रचाने लगे हैं। मदुरै में हुई एक ऐसी ही शादी चर्चाओं में ये रिपोर्ट देखिए। बहुत पुरानी कहावत है, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कोरोना से मचे हाहाकार को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने जैसे ही 31 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया तो एक दूल्हा और दुल्हन ने मिलकर पूरा विमान ही बुक कर लिया और लॉकडाउन में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर चलते विमान में धूमधाम से शादी रचा लिया। रविवार को विमान जैसे ही बेंगलुरु से मदुरई के लिए उड़ान भरी, आसमान में पहुंचते ही दूल्हा दुल्हन के साथ प्लेन में सवार बारातियों में खुशी की लहर दौड़ गई।
शादी के जोड़े में सजे धजे नजर आ रहे दूल्हा और दुल्हन ने आसमान में उड़ते प्लेन के भीतर पूरे रीति रिवाज से अपने घर वालों के सामने वरमाला डालकर 7 जन्मों के लिए एक दूजे के हो गए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन के परिवार ने मिलकर स्पाइस जेट का पूरा प्लेन ही बुक कर लिया था। फ्लाइट में सवार सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट भी किया गया। प्लेन में हुई इस अनोखी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दूल्हा दुल्हन सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि लॉकडाउन की वजह से उनकी शादी चल सकती थी। अब लॉकडाउन लागू होने के पहले वे वापस बेंगलुरु लौट आए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।